हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सर। वेलकम टू सतगुरु ITI। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर के वर्ष ऑफ कैलकुलेशन सेकेंड ईयर के। इसके हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, 22 तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग 22 तक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रिविज़न कर लिए होंगे। तो आज आइए हम पढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति, देखिए 23 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 36,000 रुपये में बेची और 20% का लाभ पाया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, अगर नहीं भी कराया हूँ तो नहीं कराया हूँ, चलो मैं करा देता हूँ। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 रुपये में बेची और 20% का लाभ पाया। यदि उसने उसी वस्तु को 3150 रुपये में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 3600 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, तो बोल रहा है कि 3150 रुपये में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आइए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। 3600 में 20% का लाभ होता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जब बोल रहा था कि किसी वस्तु को बेचने पर, मान लीजिए कोई वस्तु 5000 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 40% पर बेचेंगे तो कितने चालीस प्रतिशत पर बेचेंगे तो कितने रुपये में बेचना होगा। कहने का मतलब है कि 40% कहने का मतलब है कि हम लोग एक क्वेश्चन बनाते थे ना कि 20% का लाभ हो रहा है 5000 रुपये बेचने पर, तो 120% बराबर हम लोग लिखते थे 5000 रुपया। तो फिर बोलता है कि 30% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचेंगे। तो रुपये निकालने के लिए प्रतिशत को पहले रखते थे, मतलब रुपये निकालने के लिए प्रतिशत को हम पहले रखते थे। अब क्या करना है हमको, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रुपये को बाद में रखेंगे। तो देखिए, तो रुपये को पहले रखेंगे, तो देखिए 3600 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी देखिए 3600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी 120। 3600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो हमने 120 कर दिया। तो बोल रहा है कि 3150 रुपये में बेचने पर, 3150 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी वस्तु को बेचेंगे भी तो लाभ होगा और बेचेंगे तो हानि भी हो सकता है, यानी जो लाभ और हानि होता है वो विक्रय मूल्य क्या होता है, बराबर हम रख सकते हैं। तो 3600 रुपये बराबर 120%, तो 3150 रुपये बराबर कितना परसेंट होगा, तो 3600 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 बटा में 3600। तो 3150 के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 3150। ओके, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, बढ़ती आई 36 और 0, फिर ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितने बार बन जाएगा, 3 एकम 3, 0 3 5 15, यानी आपको हो जाएगा 105%। कितना हो जाएगा, 105। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100%। तो कितना ज़्यादा है 100% से, देखो 100+5 है, यानी हमें 5% का लाभ हुआ है, क्योंकि कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 5% का लाभ हुआ है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, 3600 रुपये में बेचने पर 120% का लाभ हो रहा है, तो 3150 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो 1 रुपये का मान निकालने के लिए 32 बटा में 3600 कर देंगे, और 3150 का निकालने के लिए मान हम क्या करते हैं, गुना कर देंगे, जब कैलकुलेशन को करेंगे तो 105 आएगा। तो 100% से कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, यानी हमारा 5% आंसर हो जाएगा। चलिए पहले हम इस बुक में देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैं आपको करा देता हूँ। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में मिल नहीं रहा था, अभी ढूंढने में टाइम लगता, तो मैं सोच रहा हूँ चलो आपको लिख के दे देता हूँ इस टाइप का, क्योंकि टाइप वाइज बुक में क्वेश्चन दिया नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति को एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उसने उसी वस्तु को 220 रुपये में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो चलिए, मैंने बोला था कि अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले हम रुपये को पहले रखेंगे, जब रुपया निकालना रहता तो प्रतिशत को पहले रखते हैं। तो चलिए, 180 रुपये में बेचने पर, देखिए 180 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, अरे सॉरी 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि हो रही है तो हम कितना रख सकते हैं, 90। ओके, रख सकते हैं, प्रतिशत रखेंगे तो भी दिक्कत नहीं, रखेंगे क्योंकि समझने के लिए दे दिया जाता है। ओके,
तो 220 रुपये में बेचने पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ। 180 रुपये में 90% का हो रहा है, तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 90/180। ओके, और 220 रुपये में कितना प्रतिशत होगा, 220 ले गुना कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 110 11, यानी 110 हो जाएगा। देखिए 110, तो बताइए 110 है तो अपने 100% की कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10%। मतलब जितना ज़्यादा होगा तो लाभ कहेंगे, अगर कम होगा तो हानि कहेंगे, यानी 10% का हमें लाभ हो रहा है। ओके, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यदि उसी घड़ी को 1840 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सोच रहे हैं कि आपको 2-3 क्वेश्चन करा दूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखिए, तो 10% 1400, देखिए 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही, तो कितना हो जाएगा, 90%। ओके, तो 1840 में पूछ रहा, 1840 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ओके, तो चलिए 1440 का मान 90% दिया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 रुपये का मान कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 90/1440 गुणे 1840 का मान के लिए गुणा कर देते हैं। ओके, तो चलिए देखिए कट गया 0, ये कितने बार में जाएगा, 16 9, ये 44 से होता है। ओके, अब देखिए ये देखो 16 एकम 16 8 में से 6 गया 2, 24 हो जाएगा, फिर 16 एकम 16 24 में से 6 गया 8 हो जाएगा, फिर 16 5 80, यानी कितना हो जाएगा, 115%। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, यानी 15% हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और कल हम अगले लेक्चर में अगला टाइप देखेंगे, चाहे अगला क्वेश्चन जो होगा आपके बुक का हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।